जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज प्रमाणी संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। आज बात च की है। च से बहुत सारी बातें जुड़ी है। आप सब भी सोच रहे होंगे कि आज महाराज अपनी बात कहां से शुरू करते हैं। जब च की तरफ देखता हूं तो मेरे सामने चाह आती है। आप सब प्रवचन सुनने की चाह लेकर आए हैं। एक दूसरा शब्द आता है चिंता, जो सबके हृदय में समाया हुआ है। एक शब्द दिखाई पड़ता है चेष्टा, जिसकी चर्चा अभी मुझे करनी है। और एक शब्द है चिंतन। चाह, चिंता, चेष्टा और चिंतन। थोड़ी देर के लिए हम इन सब चीजों पर विचार करेंगे। मनुष्य के मन में अंतहीन चाह है और वह चाह उसके जीवन के लिए कांटों की राह बन जाती है। चाह ही दाह है। मनुष्य के मन में जो भी दुविधाएं उत्पन्न होती है वह उसके मन में पलने वाली असीमित चाह के कारण होती है। और चाह से ही चिंता होती है। कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। अगर मन की चाह मिट जाए तो फिर कोई चिंता शेष नहीं रहती। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे सहनसाह बन जाते हैं। लेकिन आज मैं आप सबसे मुख्य रूप से बात करूंगा चिंता की। चिंता एक बीमारी, बीमारी नहीं महामारी है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मन में किसी प्रकार की चिंता हावी न होती हो। छोटा सा बच्चा हो या वृद्ध, युवक हो या युवती, हर व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी प्रकार की चिंता है। बच्चा जब पढ़ता है तो उसे अपनी पढ़ाई की चिंता होती है।
पढ़ाई करने के साथ साथ उसे अच्छे मार्क्स लाने की चिंता होती है। आगे बढ़ता है तो उसके मन में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की चिंता होती है, और उसमें अगर सफल हो जाए तो अच्छे रैंक लाने की चिंता होती है, अच्छे रैंक पा जाए तो अच्छी पोस्ट पाने की चिंता होती है, और अच्छी पोस्ट पा जाए तो प्रमोशन की चिंता होती है, प्रमोशन हो जाए तो अपने पोस्ट में स्टेबल बने रहने की चिंता होती है। कोई व्यापारी यदि व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो व्यापार शुरू करने की चिंता, शुरू करने के बाद स्थिर होने की चिंता, स्थिर होने के बाद वो फैल ना हो जाए इसकी चिंता, न जाने कितने प्रकार की चिंता आप सबको सताती है। वस्तुतः मनुष्य जन्म लेता है, जब से होश संभालता है उसके मन में किसी न किसी प्रकार की चिंता उत्पन्न होते रहती है। ये चिंता मनुष्य को चिता में जलने के पहले तक जलाते रहती है। चिता की आग तो मुर्दे को जलाती है, चिंता मनुष्य को जीते जी जलाती है। ये हर मनुष्य का अपना अनुभव है कि नहीं, बोलिए। आप लोगों को कोई चिंता है कि नहीं? हाँ, सब कोई चिंता करते हैं, और किसी न किसी प्रकार की चिंता करते हैं। चिंता में भी चार प्रकार की स्थितियां हैं, जिसकी आज मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। चिंता करना, चिंता में डालना। कोई व्यक्ति चिंता करते हैं, कोई व्यक्ति दूसरों को चिंता में डालते हैं, कोई किसी की चिंता मिटाते हैं। चिंता करना, चिंता में डालना, चिंता मिटाना और चिंता छोड़ना, चारों स्थितियां हैं। हमें चारों से बचना है। सबसे पहले चारों में तीन से बच करके चौथे में आना है। चिंता करना, आप सब चिंता करते हैं, क्यों करते हैं? कभी आपने विचार किया, आपके मन में चिंता आती है तो क्यों आती? कभी सोचा? आप लोगों का अनुभव जानना चाहूंगा। मैं तो अपनी बात करूंगा ही। इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आज तक कोई चिंता ना हुई हो? नहीं है ना? नहीं है तो चिंता क्यों होती है? अपेक्षा ज्यादा होने के कारण। अपेक्षा हमें चिंतित नहीं करती, अपेक्षा हमें दुखी बनाती है। चिंता के पीछे कुछ कारण है। गलत कार्य हो जाए तो चिंता है। देखिए, कोई भी मनुष्य, चिंता क्या है? चिंता एक प्रकार का हमारे अंदर का संकोच है, हमारे विचार का किसी एक स्थान पर आकर रुक जाना और उसका हावी हो जाना चिंता है, और विचार के प्रवाह का सदैव प्रवर्तित हो जाना चिंतन है। चिंता कब आती है? जब आपके सामने कोई समस्या आती है और आप उसको पूर्ण नहीं कर पाते। कोई भी समस्या आई, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, कोई प्रसंग आया या और कोई बात घट गई और आप वहां अटक गए। एक ही बात चित्त में बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये समस्या आ गई, कैसे पार होंगे, कैसे पार होंगे, कैसे पार होंगे, तो ये चिंता है ना? आपके चिंतन का एक जगह अवरुद्ध हो जाना चिंता है, समझ गए? और चिंतन के प्रवाह, चिंतन विचार के प्रवाह का आगे बढ़ जाना चिंतन है। चिंता हमारे लिए अवरोध उत्पन्न करती है और चिंतन हमारा रास्ता खोलता है। चिंतन में रास्ता खुलता है, चिंता सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। हम आपसे पूछते हैं, जब आपके सामने कोई काम आए,
जब आपके सामने कोई परिस्थिति आए, जब आपके सामने कोई प्रसंग खड़ा होता है, तो आपकी स्थिति क्या होती है? आप चिंता में आतुर होते हो या चिंता में लीन होकर, चिंतन में लीन होकर उसका रास्ता खोलते हो? यदि आपके सामने समस्या खड़ी है तब तक आप चिंता में हैं, और यदि आपने समाधान का रास्ता पकड़ा है, समझ लेना चिंतन में है। समस्या खड़ी है तो चिंता है, और आपने समाधान के रास्ते को अंगीकार किया है तो वो चिंतन है। चिंतन समाधान के संभावनाएं देता है, और चिंता हमारी संभावनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। तो कहीं आकर हमारे विचारों के रुक जाने का नाम चिंता है। ये तो समझ में आ गया, कोई बात हो, कई लोग छोटी छोटी बातों में चिंता करते हैं। थोड़ा सा भी कुछ हुआ, भैया पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं काम अटक तो नहीं जाएगा। बहुत से भाई लोग यहाँ चतुर्मास कलश स्थापना के पूर्व जब ये तैयारियाँ की जा रही थी, लगातार चल रही बारिश को देखकर बड़े चिंतित हो रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। अब चतुर्मास कलश की स्थापना की डेट डिक्लेयर है, बारिश है, रुकने का नाम नहीं ले पा रही है, पंडाल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। मेरे पास आए, हमने कहा चिंता मत करो, अपना काम करो, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो अल्टरनेट व्यवस्था बन जाएगी, एक व्यवस्था अपने साथ लेकर के चलो। हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप अपनी मनस्थिति को जरूर बना सकते हैं। और यदि हमने अपनी मनस्थिति बना ली तो हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आ भी नहीं होगी। जीवन में कोई भी प्रसंग आए, कोई भी परिस्थिति आए, अगर तुम ठहर गए तो जीवन अवरुद्ध हो गया, और यदि तुमने अपने चिंतन के प्रवाह को आगे बढ़ाया और अपने काम में लग गए तो दुनिया में कोई तुम्हारा रथ रोकने वाला नहीं है। एक्चुअल में ये चिंता किनको होती है? चार बातें मैं कहूँगा चिंता के संबंध में, और फिर चार बातें हम आपसे कहेंगे चिंता को मिटाने के संबंध में। पहली बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, चिंता करने की बात, चिंता कौन करते हैं, किन्हें चिंता होती है, क्यों चिंता होती है। तो सबसे पहली बात, जिनके हृदय में नकारात्मक सोच होती है, जिनकी सोच नकारात्मक होती है, वे सदैव चिंता में पड़ते हैं। आप अपने मन को टटोल करके देखिए, जब भी आपके चित्त में चिंता हावी होगी, आप देखिएगा नेगेटिव बातों को लेकर के ही आपका चित्त चिंतित होता है, नकारात्मकता ही आपको चिंता में डालती है। आपका बेटा घर से बाहर गया, बोल करके गया था कि मैं शाम 8 बजे तक लौट आऊंगा, 8 बजे की जगह 10 बज गए, बेटा लौटा नहीं है, आपके मन में क्या आता है? हाँ, चिंता आती है। और मोबाइल आप बजा रहे हैं, उसको रिंग कर रहे हैं, रिंग जा रही है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बताइए आपके मन में क्या होगा? हाँ, चिंता। किस तरह की? कहीं एक्सीडेंट तो ना हो गया हो, क्या मामला है, पूरी घंटी जा रही है, उठ नहीं रहा है, मामला क्या, 8 बजे आने वाला था, 10 बज गए, क्या हो गया? धड़कन बढ़ेगी, घबराहट बढ़ेगी, होता है। ये चिंता हो गई आपकी, क्यों? आपके मन में ये ख्याल क्यों आता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो? ये ख्याल क्यों नहीं आता कि हो सकता है कोई अर्जेंट काम आ गया हो? वो जिस काम से गया हो उसमें और कोई नई बात आ गई हो, कोई और अच्छी संभावना आ गई हो, ऐसा क्यों नहीं सोचते? बोलिए क्या होता है? जबकि आपने चिंता की, मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ हो तो नहीं गया है, और बेटा ठीक 10 मिनट बाद घर आ गया, आपने बेटे को देखा, चेहरा खिल गया, बेटा कहाँ था तू अब तक, इतनी बार तेरे को मोबाइल
हम बजा रहे हैं, घंटी कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तेरा फोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, दो घंटे से हमारे अंदर कितनी बेचैनी है, तू था कहाँ और फोन रिसीव क्यों नहीं किया? बोले क्या बताऊं, हमने काम किया, काम करते करते एक आवश्यक मीटिंग आ गई, हमने फोन को साइलेंट रख दिया था और फोन साइलेंट रखने के कारण वो अभी तक साइलेंट पड़ा, आपने कितनी रिंग की हमें पता नहीं, मैं तो आ रहा था, एक एक्स्ट्रा मीटिंग आ गई इसलिए दो घंटे एक्स्ट्रा लग गए और हमें एक बड़ी सफलता मिली है, हम जिस काम के लिए गए थे उस एक काम के साथ चार काम करके लौटे हैं। अब बोलिए आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बोलिए खामोखा हमने चिंता कर ली है। आपकी ऐसी नकारात्मक सोच, उस सोच को बदलना शुरू कर दीजिए। कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग, कोई भी परिस्थिति, कोई भी निमित्त आएगा, हम उसे नकारात्मक लहजे में नहीं लेंगे। आप निश्चिंत हो जाएंगे। बड़ी विचित्रता होती है, बड़ी विचित्रता होती है। हर बात में व्यक्ति निगेटिव सोच सोच कर सोच सोच करके परेशान होता है। एक दंपति मेरे पास आए, पति ने धर्म पत्नी की ओर देखते हुए कहा, महाराज इनको समझाइए। बोले क्या है? मेरे बेटे का IIT में सिलेक्शन हो गया और IIT दिल्ली में जैसा चाहता था वैसा सब्जेक्ट मिल गया, अच्छा रैंक था, 1057वीं रैंक आई थी। IIT दिल्ली में सिलेक्शन हो गया महाराज, मैं अभी उसको छोड़ करके आया हूँ और 3 दिन से इनको नींद नहीं आ रही है। मैं इसे छोड़ करके आया हूँ, इतने सालों से तो हम पर ये सोचते थे कि हमारा बेटा IIT में सेलेक्ट हो जाएगा तो आगे चल करके उसका कैरियर अच्छा बन जाएगा। अच्छा सिलेक्शन हो गया, मन माफिक रैंक भी मिल गई और मन माफिक आपके जाकर के कॉलेज और मन माफिक सब्जेक्ट मिल गया, सब कुछ मिल गया, पर मेरी धर्म पत्नी 3 दिन से सो नहीं पा रही है, ढंग से खा भी नहीं पा रही है। हमने पूछा क्यों, क्या बात है? महाराज इसको चिंता हो रही है कि कॉलेज में उसके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं होगा, आजकल IIT में बहुत गड़बड़ होता है। हमने कहा भाई ये तो उल्टी सोच है, हजारों लोग IIT में सेलेक्ट होते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, कोई दो चार बिगड़ते होंगे या दो चार के साथ दुर्व्यवहार होता होगा, सबके साथ थोड़ी होता होगा। तुम ये क्यों सोचते हो कि मेरा बेटा दिल्ली के IIT में गया है कहीं उसके साथ गड़बड़ ना हो जाए? ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा बेटा कितनी मेहनत से आगे बढ़ा और मन माफिक सब्जेक्ट और मन माफिक कॉलेज को प्राप्त कर लिया, वो सफल होगा, सफलता के शिखर पर पहुंचेगा, ये क्यों नहीं सोचते? आप अपने मन को टटोलिए। आपके साथ जब कभी भी ऐसा प्रसंग आता है तो आपके हृदय में प्रसन्नता आती है या चिंता? अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपका हृदय अंदर से आनंदित होगा, और यदि सोच नकारात्मक होगी तो आप हमेशा दुखी होगे। एक सज्जन ने, बेटे ने दुकान किया, एक बड़ी कंपनी का उसको एजेंसी मिल गया, शोरूम खोला। शोरूम खोलने के लिए अच्छे अच्छे लोग लगे हुए थे, उनको नहीं मिला और इनको मिल गया। उसमें बेटे की कुशलता थी, बेटे ने अपनी पूरी की पूरी कुशलता के बल पर, अपने संपर्कों और संबंधों के बल पर वो एजेंसी ले ली और शोरूम खुल गया। शोरूम का ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के दूसरे दिन पिताजी बड़े उदास हो गए। क्यों उदास है? बेटे ने इतना रुपया लगा करके शोरूम तो खोल लिया, कहीं शोरूम चले नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। अभी खुला नहीं और चले नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। आप लोगों के साथ कई बार ऐसी स्थिति होती है, काम की शुरुआत कर लेते हो और परिणाम की चिंता करना शुरू कर देते हो। अरे पता नहीं हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। सक्सेस की चिंता और फियर फीलिंग मनुष्य को बहुत ज्यादा अशांत और उद्वेलित कर डालती है।
बिल्कुल इन सब बातों से बचिए। नकारात्मकता अगर हावी होगी तो आप चिंता के चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, साथ साथ सूत्र लेते जाइए। हर बात को मैं सकारात्मक लहजे में लूंगा, आप चिंता से बाहर हो जाएंगे, कभी आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। दूसरे नंबर में अभी बताऊंगा, आ रहा है, अभी ऑपरेशन शुरू हुआ डॉक्टर साहब। दूसरी बात, इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपको आत्मविश्वासी बनना होगा। जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, नकारात्मकता मनुष्य के आत्मविश्वास को कमजोर करती है, और जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है उनकी नकारात्मकता बड़ी तेजी से बढ़ती है। आत्मविश्वास की कमी सदैव आपको चिंता में डालेगी। कुछ भी करे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, ये सवाल वो करते हैं जिनका आत्मविश्वास कमजोर है, और कैसे करना है ये चिंतन वो करते हैं जो आत्मविश्वास से लवरेज है। अपने मन से पूछो, जब कोई काम आता है तो तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं, क्या ख्याल आते हैं, कैसे होगा या कैसे करना है, क्या होता है बोलो? कैसे होगा इसकी चिंता या कैसे करना है इसकी चिंता, इसका चिंतन? मैं कर लूंगा ये आत्मविश्वासी कहता है, और होगा कि नहीं ये जिनके आत्मविश्वास की कमी होती वो करते हैं। कुछ भी है करना है मैं कर लूंगा, और मैं कर सकता हूं, मैं इसमें कैपेबल हूं। मैं नहीं कर सकता ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अगर शुरू किया है मैं करूंगा, कोई चिंता नहीं होगी, बड़े आनंद से आप चलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा। मुझसे एक बार किसी ने कहा, महाराज जी आप प्रवचन करने के लिए बैठते हैं और आप देखते हैं आपके पास न कागज होता है न पेन होता है, और आप बैठते हैं शुरू हो जाते हैं, और बस आपकी जो चलती है बात धारा प्रवाह चलते रहती है, आपके मन में कोई प्रवचन को लेकर टेंशन नहीं होता? बहुतों को होता है। हमने कहा भैया मैं ये सोच करके बैठता हूँ कि मैं जो बोलूँगा वो अच्छे से बोल लूँगा, फिर मेरे मन में कोई चिंता नहीं होती, मेरे मन में मेरा कॉन्फिडेंस इतना है। कहीं भी शुरुआत करूंगा, ये कह गए कि जो मैंने शुरुआत की, जिस दिन यहाँ बैठा था शुरुआत किया था, पहले से कोई मानसिकता मेरी नहीं थी, बस ये सोच रहा था कि कोई श्रृंखला मुझे अब चालू करनी है, यहीं मंच पर बैठा और मंच पर बैठ करके मन में आया चलो अब ABCD हो गई, अब कखगा शुरू करते हैं, कह से शुरू करो फिर देखा जाएगा। पहला शब्द मानस में आया कला, और आप आज वो पूरी कला देख रहे हो। ये किसने कराया? मेरे आत्मविश्वास ने। यदि मैं चिंता में पड़ जाऊं, फंस जाऊं, बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, बात तो शुरू कर दिया, होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं, तो कहते संशय आत्मा विनश्यति। जो डाउट में झूलते हैं वो झूलते ही रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। आप जो काम कीजिए आत्मविश्वास के साथ कीजिए। हाँ, अति आत्मविश्वासी मत बनी, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। दोनों तरह लोग, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम जीरो होता है और कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस कर लेते हैं, ये दोनों गफलत में फंस जाते हैं, हमें इनसे बाहर आना है। जो काम मुझे करना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना है। यदि आप ऐसा करेंगे जीवन में कभी विफल नहीं होंगे। मैं अपने जीवन की सफलता का रहस्य यही जानता हूं कि मैं आज तक कभी अपने आत्मविश्वास को खोया नहीं, और मेरे अंदर किसी भी बात को लेकर कभी कोई नकारात्मकता हावी नहीं होने दिया, मैं आगे बढ़ता गया। आप इनको हावी मत होने दें। सवाल पूछा, नकारात्मकता को हम हावी कैसे ना होने दें?
तो मैं उसके लिए तीसरी बात करता हूं, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनिए, चिंता भी नहीं होगी। कर्म सिद्धांत के विश्वासी, जो मेरे कर्म के उदय में होगा होगा, संसार के सारे संयोग हमारे अधीन नहीं है, सब कर्म के अधीन है। जिसके हृदय में कर्म पर विश्वास होता है वो कभी भटकता नहीं, और जो कर्म के ऊपर विश्वास नहीं करता वो कभी एक जगह टिकता नहीं, उसके चित्त में सदैव चिंता हावी होती है। सकारात्मक सोचने के लिए आत्मा का विश्वास और कर्म सिद्धांत पर विश्वास, ये दो बातें आपके हृदय में अंकित हो जाए, आपके मन में कभी नकारात्मकता हावी नहीं होगी, और नकारात्मकता हावी नहीं होगी तो सिर पर कभी चिंता नहीं होगी। मैं आपसे कहता हूं, चिंता से बचना है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए, और ये एक बात अपने हृदय में गाढ़ रूप से स्थापित कर लीजिए कि संसार के सारे संयोग कर्म के अनुकूल चलते हैं, मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं, एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। जो मैं कर सकता हूं वो मुझे करना है, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कर्म का उदय उल्टा ना हो जाए, जो होना होगा सो होगा, जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, मेरे हाथ में मेरा पुरुषार्थ है, मेरे हाथ में मेरा प्रयत्न है, मेरे हाथ में मेरा प्रयास है, मेरे हाथ में मेरा उपक्रम है, वो मैं करूंगा, वो मैं कर सकता हूं, परिणाम जो आए उसे मैं स्वीकार करूंगा। अच्छा आए तो, बुरा आए तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। ये धारणा आपके अंदर आ जाए तो फिर कभी चिंता आपके मन में हावी होने वाली नहीं है। लोग आज के समय में प्रयास कम करते हैं, परेशान ज्यादा होते हैं। संत कहते हैं प्रयास करो, परेशान मत हो, तो आपके चित्त पर कभी चिंता नहीं होगी। और चौथी बात, भविष्य की शंका, इनसिक्योरिटी का डर, असुरक्षा का भाव, भविष्य की चिंता, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। चिंता करने की बात क्या है, ये जो भविष्य की चिंता होती है वो मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती। एक व्यक्ति एक मनोचिकित्सक के पास बड़ा घबराया हुआ है, पसीने में तर बतर। उसने कहा भैया क्या बात हो गई, बोले रात में मैंने बड़ा बुरा सपना देख लिया, रात में मैंने बड़ा बुरा सपना देख लिया। बोले क्या देखा, इतना घबराया क्या, बोले डॉक्टर साहब हद हो गई, बहुत बुरा सपना देखा। बोले क्या देखा, बोले रात सोते में मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया, रात सोते में मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। उसने कहा हद हो गई भाई, इतना परेशान क्यों हो, चूहा ही तो निकला है, को हाथी थोड़ी निकल गया, इतना परेशान क्यों हो, चूहा ही तो निकला है, कोई हाथी थोड़ी निकल गया। उसने कहा डॉक्टर साहब इसीलिए तो आपके पास आया हूं, आज चूहा निकला कल हाथी ना निकल जाए, रास्ता जो बन गया। ऐसों को कौन समझाएगा, तुम लोग चूहा निकलता देखकर हाथी निकलने की शंका पालते हो और अपने जीवन में बहुत बड़ी दुविधा डाल देते हो, मुक्त होइए इससे। भविष्य की चिंता मत कीजिए, एक बात अपने गांठ में बांध के रखिए, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। चींटी को कण और हाथी को मन मिल ही जाता है, जो चोंच देगा वो चुग्गा भी देता है, ये विश्वास अपने मन में होना चाहिए। हम क्यों घबराएं, क्यों चिंता करें, कल क्या होगा कल क्या होगा, कल की चिंता में आज को विफल करने वाले व्यक्ति अपने जीवन को कभी सफल नहीं बना सकते, और जो आज का सही उपयोग करते हैं उनका आने वाला कल सदैव उज्जवल बनता है। तो भविष्य की चिंता करने की जगह वर्तमान में जीने का अभ्यास कीजिए,
आपके अंदर से चिंता कभी हावी नहीं होगी। महाराज आप बोल तो रहे हो लेकिन भविष्य के विषय में थोड़ी तो सोचना चाहिए ना। आप लोग भी बोलते हैं मनुष्य को दूरदर्शी होना चाहिए। एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया कि महाराज आप कहते हैं भविष्य की मत सोचो, भविष्य की मत सोचो, लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि मनुष्य को दूरदर्शी होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, मनुष्य को दूरदर्शी होना चाहिए, दुखदर्शी नहीं होना चाहिए। दूरदर्शी होना चाहिए, दुखदर्शी नहीं होना चाहिए। दूरदर्शी और दुखदर्शी में क्या अंतर है? भविष्य के विषय में सतर्क रहना दूरदर्शिता है और भविष्य की शंका में उलझ जाना दुखदर्शिता। कल मुझे क्या करना है इसकी योजना बनाना कतई गलत नहीं है, लेकिन उसी में उलझ जाने से ज्यादा गलत और कोई नहीं है। कल के विषय में आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि कल कुछ मेरे सामने गड़बड़ ना हो जाए, कल कोई विषमता खड़ी ना हो जाए, कल कोई विपरीत स्थिति का मुझे सामना न करना पड़े, कल कोई मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ी ना हो जाए। ये सावधानी सतर्कता है जो समझदारी मानी जाती है। पर कल कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कल कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कल कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये शंका पागलपन है। आप कार चलाते हो तो चलाते समय आपके मन में ये सावधानी होनी चाहिए कि मैं इस तरह से गाड़ी ड्राइव करूं कि कोई दुर्घटना ना घटे, ये तो आप रखते हो ना। लेकिन गाड़ी पर बैठे नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो क्या होगा? ना होना होगा तो हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप क्या करते हो? गाड़ी चलाने में तो फिर भी सावधानी रख लेते हो, पर जिंदगी की गाड़ी चलाने में अक्सर चूक जाया करते हो। संत कहते हैं जीवन की गाड़ी चलाओ, पूर्ण रफ्तार से चलाओ, सावधान होकर के चलो और चलाओ, पर चिंता अपने सिर पर हावी मत होने दो, तब जीवन सफल होगा। मैं स्वस्थ रहूं, हेल्थ कॉन्शियस है, मैं स्वस्थ रहूं, ये चिंतन हेल्थ कॉन्शियस है। आप उसके अनुरूप ठीक शुद्ध भोजन पानी करो, अनुकूल हवा पानी में रहो और योग प्राणायाम करो, अपनी जीवन शैली को वैसा रखो जिससे आप स्वस्थ रहें। आपको जितने स्वास्थ्य की चिंता होती है उससे ज़्यादा हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता है। अंतर केवल इतना है, आपको स्वास्थ्य के प्रति चिंता होती है और मेरे अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है। जागरूकता और चिंता के अंतर को समझिए। सजग होना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, और चिंता करना मूर्ता है, अज्ञानता है, पागलपन है। मैं बीमार न पड़ जाऊं, बीमार न पड़ जाऊं, बीमार न पड़ जाऊं तो और पड़ोगे। विज्ञान कहता है मनुष्य जैसे विचार करता है उसकी तरंगे वातावरण में प्रभावित होती है, और वैसे तरंगे हमारे चित्त पर हावी हो जाती, तो ना होना हो तो हो जाएगा। अशुभ अमंगल तरंग अशुभता को प्रकट करती है। तुम स्व के प्रति या पर के प्रति किसी के प्रति भी ऐसा सोचोगे तो ये कुपरिणाम आए बिना नहीं रहेगा। इनसे अपने आप को बचाइए, बाहर कीजिए। नहीं मैं सावधान होऊंगा, तो चार बातें मैंने आपको चिंता के विषय में कहा कि चिंता क्यों आती है। नकारात्मक सोच के कारण, आत्मविश्वास की कमी के कारण, यथार्थ की अनदेखी यानी कर्म सिद्धांत को न समझ पाने के कारण, और भविष्य के प्रति शंका पूर्ण दृष्टि बनाए रखने के कारण, बस ये चिंता के कारण है। इनसे अपने आप को बाहर निकालिएगा, आपका मन कभी भी चिंता में नहीं पड़ेगा। तो चिंता करना, समझ गए, हमें नहीं करना। और इसमें सूत्र रूप में मैं आपसे कहता हूं, प्रयास करो, परेशान मत हो, सतर्क रहो, शंका मत करो। प्रयास करो, परेशान मत हो, सतर्क रहो, शंका मत करो। ये दो बातें आपके मन में हो तो आप अपने आप को चिंता से मुक्त कर पाओगे। हम हमेशा कहते हैं कोई भी समस्या है हार मत मानो, चेष्टा करो, चर्चा मत करो,
आप लोग क्या करते हैं जब भी कोई समस्या आती है, अरे भैया क्या बताऊं, मेरे सामने बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या आ गई, कोई रास्ता नहीं दिखता, कुछ समझ में नहीं आता, सारे गांव को सुनाते हो। बताओ तुम्हारा रोना सुनने के लिए कोई तैयार है? सबका अपना अपना रोना है, तुम्हारा रोना कौन सुनेगा? चर्चा करके क्या पाओगे? लेकिन जब मनुष्य के मन में कोई इस तरह की चिंता या समस्याएं आती है, हारे हुए लोग होते हैं, सो सारी दुनिया में अपना रोना रोते हैं और आरोप की भाषा मलते हैं, कभी परिस्थितियों पर आरोप लगाते हैं, कभी व्यक्तियों पर आरोप लगाते हैं, निमित्तों की तरफ अपना ध्यान करते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे भैया चर्चा करने से क्या होगा, चेष्टा करो। इस परिस्थिति से हमें निपटना है, उसके लिए अपना सब कुछ लगाओ, और कैसे लगाए उसके लिए चिंतन करो। एक बात सदैव अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करके रखना, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि खुले द्वार पर होनी चाहिए, बंद दरवाजों पर नहीं। आप लोग क्या करते हैं, खुले द्वार की तरफ या बंद दरवाजे की तरफ? अगर खुले द्वार की तरफ देखोगे तो तुम्हारे किस्मत का दरवाजा हमेशा खुले रहेगा, और बंद द्वार की तरफ देखते रहोगे तो किस्मत का द्वार भी बंद हो जाएगा। इसे कभी भूलना मत। तो चिंता करना, चिंता से निश्चिंतता की ओर बढ़ना है, तो पहली बात आप सबसे मैंने की, चिंता करना। दूसरी बात, किसी को चिंता में डालना, किसी को चिंता में डालना। आपने आज तक कभी किसी को चिंता में डाला? बोलो, डाला कि नहीं डाला? डाला ही होगा महाराज, रोज ही डालते हैं। क्यों डालते हैं? कोई आपके निमित्त चिंता में क्यों फंसता है, क्यों डालते हैं? संत कहते हैं चिंता करो मत और किसी को चिंता में डालो मत। चिंता में कोई कब डलता है? जब आप दायित्व विहीन आचरण करते हैं। आप दायित्व विहीन आचरण करेंगे, आपसे संबद्ध लोग चिंता में पड़ेंगे। आपने तो कुछ भी कार्य कर लिया, आपका परिवार और आपके परिजन उसको लेकर के चिंता में है, आपसे संबद्ध सारे लोग उसको लेकर के चिंता में है कि अब क्या हो गया, किसको क्या जवाब देंगे, ये समस्या खड़ी हो गई। सामने वाले ने दायित्व विहीन आचरण किया, सामने वाले ने लापरवाही की और फंसे पूरे के पूरे परिजन। आपने ऐसा दायित्व विहीन कभी आचरण किया हो तो आज से संकल्प लो कि मैं कभी दायित्व विहीन आचरण नहीं करूंगा। फिर कई बार लोग होते हैं परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक ढंग से नहीं करते, इसलिए लोग चिंता में फंस जाते हैं। आज से संकल्प लो, मैं कभी किसी को चिंता में नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? चिंता करना जितना दुख का कारण है, चिंता में डालना भी उतना ही बड़ा पाप है। जैन कर्म सिद्धांत की भाषा में शोक करना और शोक में डालना दोनों तीव्र पाप के बंध का कारण है, असाता बेदनी के बंध का कारण है। यदि तुम्हारे कारण कोई चिंतित होता है तो वो तुम्हारे निमित्त से हुआ है, तो तुम भी पाप के भागी हो। इसलिए क्या करो, सूचनाओं के आदान प्रदान में कभी कमी मत करो। जो तुम कहीं जाओ आओ तो पहले बोल करके जाओ कि मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, आऊंगा तो इतने समय तक आऊंगा, और यदि कदाचित लेट हो जाऊं तो समझ लेना मैं किसी काम में फंस गया, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। तुम वेट मत करना, चिंता मत करना, मैं आऊंगा, इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आप लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते। एक बार एक ने कहा कि प्रायः लोग घर परिवार के प्रति लापरवाह होते हैं, घर से निकलते हैं घरवाली की कोई फिक्र नहीं होती, घरवाली घर बैठे बैठे फिक्र करते रहती है ना, क्या हुआ, इधर से फोन पर फोन आ रहा है, उठाया नहीं जा रहा है, दूसरे काम में लगे हुए हैं, सामने वाले को आप चिंता में डाल रहे। एक ने कहा महाराज मिस्ड कॉल तो तुरंत उठ जाता है, मिसेस कॉल उठाने में सोचना पड़ता है। ये क्या है, है ना? क्यों? सावधान होने की जरूरत है।
हम सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, कहीं कोई हो कम्युनिकेशन गैप मत कीजिए, हमेशा आप कहीं जाइए कुछ भी कीजिए, दायित्वविहीन आचरण मत कीजिए, आप कुछ भी ऐसा अनैतिक कर्म मत करिए जिससे आप कोई अपराध करो या अपराधी की श्रेणी में आओ, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी छवि प्रभावित होती हो और आपसे जुड़े हुए लोग चिंता में फंसते हो। ऐसा कोई काम मत करें जिसमें लापरवाही होती हो और स्वपर का नुकसान होता हो, लोगों को चाहे सामाजिक या आर्थिक क्षति का नुकसान भोगना पड़ता हो, शारीरिक नुकसान भोगना पड़ता हो और उससे लोग चिंता में पड़ते हैं, वैसा मुझे कोई काम कभी नहीं करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कोई दुर्घटना हो जाए। गाड़ी चला रहे हैं, आजकल के बच्चे ज़्यादा करते हैं, बाइकर्स होते हैं, अब तो बुलेट खूब चलने लगी है, तेज रफ्तार में गाड़ी भगाते हैं एकदम दायित्वहीन होकर, और उनके माँ बाप घर में बैठे बैठे चिंता करते हैं कहीं कुछ हो न जाए। नहीं, तुम सबसे मैं कहता हूं, जब भी घर से बाहर निकलो अपने दिमाग में एक बात बिठा के रखो, घर में मेरा कोई इंतजार भी कर रहा है, मुझे लौट कर भी आना है, मुझे लौट कर भी आना है, मुझे लौट करके भी आना है, तो तुम्हारे पीछे कोई चिंता में नहीं फंसेगा। आजकल तो लोग स्टंट करते हैं। कल मुझे किसी ने एक क्लिप दिखाया कि कुछ युवक बॉम्बे के लोकल ट्रेन में बड़ी गलत हरकत कर रहे, लटक रहे हैं एकदम ऐसे, और खुद अपनी वीडियो बना रहे। हालांकि सब वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार हो गए, चार पांच युवक थे। ये सब क्या है? ये सब दायित्वविहीन आचरण है, ये पागलपन है। थोड़ी सी चूक जीवन का सर्वनाश कर डालती है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, आज आप ये संकल्प लीजिए, मैं खुद तो चिंता से बाहर होऊंगा ही होऊंगा, कोई चिंता में पड़े ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा, किसी को चिंता में डालने वाला काम मैं अपने जीवन में कभी नहीं करूंगा। लेकिन आजकल लोग तो थोड़े अलग हैं, मेरा काम टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का है, बड़े गर्व से कहते हैं। ये डायलॉग है आजकल, है ना, कोई फिल्म का डायलॉग तो नहीं है ये? मुझे नहीं मालूम, फिल्म ही का डायलॉग है क्या? हाँ, फिल्म का नहीं है, चलो अच्छा है, क्योंकि मैंने सोचा लोगों से सुनने में आता, मेरा काम टेंशन लेने का नहीं देने का, टेंशन लेने का नहीं ये बहुत अच्छा काम है और टेंशन देने का ये काम गलत है। तुम अपने वाक्य को सुधारो, मेरा काम न टेंशन लेने का न टेंशन देने का, अटेंशन रहने का है, ये सोच कर चलो। न टेंशन लेने का न टेंशन देने का, अटेंशन रहने का है, और अटेंशन रहोगे तो जीवन में आनंद रहेगा, पर उसके लिए तुम्हें अपना इंटेंशन ठीक करना होगा, इंटेंशन ठीक करना होगा। अगर ये ठीक हुआ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, कामयाबी की ऊंचाई को छूने में तुम समर्थ हो जाओगे। उसके लिए अपना पुरुषार्थ होना चाहिए, वैसी भीतरी तैयारी होनी चाहिए, यदि वो घटित हो गया जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं आप सबसे कह रहा था, चिंता करना मत, चिंता में डालना मत। अब तो नहीं डालोगे किसी को चिंता में? ऐसा कोई खोटा कलम मत करो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे चिंता करे, ऐसा कोई दायित्वहीन आचरण ना करो कि तुम्हारे पीछे के लोग तुम्हारे लिए परेशान हो, चिंता करना पड़े, ऐसा कोई काम ना करो जिससे समाज, संस्कृति, राष्ट्र और तुम्हारे कुल की गौरव गरिमा खंडित होती हो, धर्म का नुकसान होता हो और तुम्हारे पीछे रहने वाले लोगों को चिंता में फंसना पड़ता हो। तो चिंता करना, चिंता में डालना, चिंता मिटाना, ये ऊपर के दो कर्म तो बुरे कर्म हैं, लेकिन एक अच्छा पुण्य कर्म है, वो है चिंता मिटाने का। कोई व्यक्ति चिंतित हो, हताश हो, पीड़ित हो, दुखी हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे ऐसा मोटिवेशन दो कि उसकी सारी चिंता खत्म हो जाए, रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए, जिंदा दिली अपनाओ और हर व्यक्ति को जिंदा दिल बनाने की कोशिश करो, ये कर्म होना चाहिए।
कोई मायूस दिखता हो, कोई दुखी दिखता हो, कोई हताश दिखता हो, तो तुम उसकी उपेक्षा कभी मत करना। उसे थोड़ा सा समय देना, सबसे पहले मुस्कुरा करके बात करना। तुम्हारी छोटी सी मुस्कान से यदि किसी का जीवन संभल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। उसे तुम अच्छे से बात करो, उसकी बात को सुनो और समाधान का रास्ता निकालो, उसका जीवन बदल जाएगा। मेरे पास एक युवक एक लड़के को लेकर के आया और लड़के को लेकर के आया, बोला महाराज जी इस व्यक्ति को थोड़ा संभाल लीजिए। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसका एक लड़की से अफेयर चल रहा था, ब्रेकअप हो जाने के कारण वो बहुत टूट गया था। आजकल तो ऐसा रोज होता है, रोज अफेयर होता है, रोज ब्रेकअप होता है। बोला महाराज लड़की से अफेयर था, ब्रेकअप हो गया, ये टूट गया और इतना गहरा टूटा कि इसने सुसाइड करने का मन बना लिया था। महाराज जी अचानक मुझसे ये मिल गया और मिला भी कैसे, मैं प्रमाणिक ऐप पर आपको सुन रहा था और आपका प्रवचन इसी बात को लेकर के आ रहा था, डिप्रेशन से जुड़ा हुआ प्रवचन था, मैं उसे सुन रहा था। यह मेरे साथ ट्रेन में था, इसने फिर मुझसे बातचीत की और अपने अंदर की व्यथा कही। मैं इससे एकदम अननोन था, मेरा इसका कोई परिचय नहीं, लेकिन जब इसने पूरी बात बताई तो मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ। मैंने इसे तरीके से समझाया, मेरे समझाने के बाद इसका मन बन गया कि नहीं अब मैं ये काम नहीं करूँगा। महाराज मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ, आप मार्गदर्शन दीजिए ताकि इसका जीवन संभल जाए और इसकी जान बच जाए। मैंने फिर उसे समझाया, काफ़ी कुछ तो काम उस लड़के ने कर दिया था। मैंने उसे संकल्पित किया और वह इस डिप्रेशन से बाहर आ गया। एक व्यक्ति के छोटे से मोटिवेशन से एक युवक की जान बच गई। मैं तुमसे केवल इतना कहता हूँ, कितना बड़ा धर्म है, कितना बड़ा धर्म। तुम लोग धर्म के बड़े बड़े आदर्श उपस्थित करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन कभी ऐसा सोचा कोई चिंता में फंसा है तो तुम उसकी चिंता को मिटाने का उपाय किए? अरे दो सहानुभूति के शब्द बता दो, उसके अंदर के उत्साह और जज्बात को जगाने वाले शब्द कर दो जिससे उसका बुझा हुआ मन ठीक हो जाए, फिर से खिल उठे, ये प्रयास कर दो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। मैं मानता हूँ कि अगर किसी के ऊपर कोई आर्थिक बोझ है वो तुम नहीं उतार सकते, लेकिन उसके दिमाग का बोझ तो तुम उतार सकते हो। संकल्प लीजिए कि मैं, कोई मेरे सामने चिंता विष्ट व्यक्ति आएगा तो मैं यथासंभव उसकी चिंता को मिटाने में निमित्त बनूंगा, मिटाने का प्रयास करूंगा। ऐसा कोशिश करना चाहिए और फिर खुद को चिंता से बाहर निकालना है। हमें चिंता मुक्त होना है, चिंता छोड़ना है। आज से एक संकल्प लीजिए कि मैं किसी भी बात का चिंता नहीं करूंगा, चिंतन करूंगा। चिंतन से मेरा रास्ता खुलेगा, कोई भी कैसी भी स्थिति हो। महाराज ने कहा बंद दरवाजे को नहीं देखना है, खुले द्वार को देखना है। कैसे होगा ये नहीं सोचना है, कैसे करना है ये हमें सोचना है। और चिंता से बाहर निकलने के लिए दो सूत्र आप सबको देता हूँ, हमेशा याद रखना, वो जीवन भर काम में आएंगे। दो वाक्य, ज़्यादा बड़े नहीं, जो होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा। ये दो लाइनें अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए, जो होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा। सिर पर चिंता कभी हावी नहीं होगी और वाकई में जो होता है वो सही होता है। इसे आत्मसात कर लेने वाले के जीवन का मजा ही कुछ होता है। राजा था, राजा के पांव का अंगूठा अचानक तलवार गिर जाने से कटकर अलग हो गया, खून की धार बहने लगी, चीख मच गई। वहीं उसका मंत्री था, उसने कहा राजन जो होता है सही होता है। मंत्री के ऐसा कहने से राजा क्षुब्ध हो उठा, उसे जेल में बंद कर दिया। मंत्री जेल में चला गया। ठीक होने के बाद राजा एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते समय वो अचानक भटक गया और भीलों के एरिया में चला गया। भीलों ने उसे पकड़ लिया। उन दिनों भीलों का एक कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था और वो अपने धार्मिक अनुष्ठान में, जो अंधविश्वासपूर्ण था, एक नरबलि दे रहे थे और उन्हें नरबलि के लिए सुंदर सुलक्षण एक मनुष्य की आवश्यकता थी। राजा पकड़ा गया और उसे बलि की वेदी पर ला करके खड़ा कर दिया गया। भीलों के पुरोहितों ने राजा का पहले निरीक्षण किया
और जैसे ही राजा का निरीक्षण किया, देखा तो उसका अंगूठा कटा हुआ था। कह दिया गया कि नहीं, ये आदमी का शरीर खंडित है, ये बलि पर चढ़ाने जाए नहीं है, उसे मुक्त कर दिया गया। अभी ताली मत बजाओ, ताली तो अब बजाना। इस आदमी का शरीर खंडित है और ये हमारे बलि के लायक नहीं, इसे मुक्त कर दिया जाए। उसे मुक्त कर दिया गया, तभी उसे अपने मंत्री की बात सुनाई पड़ी, जो होता है सही होता है, जो होता है सही होता है। वो लौट कर आया और सीधे सबसे पहले अपने मंत्री को कैद से बाहर निकाला, उसे अपने गले से लगाया कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, जो होता है सही होता है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मेरा अंगूठा कटना तो मेरे लिए सही हो गया, पर तुम्हारा ऐसा कहना तुम्हारे लिए सही कहां हुआ? तुम तो जेल में चले गए। मेरा अंगूठा कटना मेरे लिए सही हो गया, पर तुम्हारा ऐसा कहना तुम्हारे लिए सही कैसे हुआ? तुम्हें तो जेल जाना पड़ा। तो मंत्री ने कहा, अच्छा हुआ मैं जेल चला गया, अन्यथा मैं आपके साथ होता, आप तो बच गए होते, मैं बलि का बकरा बन गया होता। अब बजाओ ताली। समझ में आ गई? आप बच गए होते, मैं बलि का बकरा बन गया होता। समझ गए? तो ये बात अपने दिमाग में बिठाइए, जो होता है सही होता है, जो होना होता है वही होता है। हालांकि ये दोनों अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है, नहीं तो किसी का जवान बेटा मर जाए और जाके कह दो महाराज ने कहा था जो होता है सही होता है, और गाड़ी चलाओ आंख मूंद कर और कहो जो होना होता है वही होता है, और किसी को ठोक दो, ऐसा मत करना। ये दोनों बातें उस घड़ी की है जब चित्त तुम्हारा दुविधा में फंसे, जब मन में अशांति हो, उद्वेग हो, चिंता हो। मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई परिस्थिति हावी हो, घबराना नहीं। परिस्थिति के पक्षी को अपने सिर पर बैठे तो बैठने दो, घबराओ मत। परिस्थिति के पक्षी को तुम्हारे सिर पर बैठे बैठने दो, पर उसे घोंसला मत बनाने देना। सिर पर बैठने में परेशानी नहीं है, उसने घोंसला बना दिया तो सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं है। ये घोंसला तुम्हारे जीवन को खोखला बनाता है, इसी का नाम है चिंता। चिता अंत में मुर्दे को जलाती है और चिंता सारे जीवन जीते जी मनुष्य को जलाती है। अपने आप को बाहर निकालिए, चिंता के चक्रव्यूह से बाहर आइए। आज से एक बात अपने मन मस्तिष्क में स्थापित कर लीजिए कि मुझे चिंता करना नहीं है, चिंता में डालना नहीं है, बन सके औरों की चिंता मिटाना है और खुद को चिंता से बाहर निकालना है। एक अंग्रेजी राइटर ने एक बहुत अच्छी अंग्रेजी की कविता लिखी, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आप सबको सुनाता हूं, बहुत मजे की है। वाय वरी, चिंता क्यों, चिंता क्यों। ये एक नजरिया है जिंदगी को चिंता मुक्त करके जीने का। आप स्वस्थ हैं या बीमार, चिंतनी केवल दो बातें हैं, आप स्वस्थ हैं या बीमार। यदि आप स्वस्थ हैं तब तो चिंता की कोई बीमार नहीं बात नहीं, और यदि आप बीमार हैं तो चिंता की दो बातें, आप ठीक हो जाएंगे या आपको मरना पड़ेगा। यदि आप बीमार हैं तो चिंता की केवल दो बातें, आप ठीक हो जाएंगे या आपको मरना पड़ेगा। यदि आप ठीक हो जाते हैं तब तो चिंता की कोई बात नहीं, यदि आपको मरना पड़ता है तो चिंतनी केवल दो बातें। यदि आपको मरना पड़ता है तो चिंता की केवल दो बातें हैं, आपको जन्नत नसीब होगी या जहन्नुम में जाना पड़ेगा। स्वर्ग जाओगे या नरक, आपको जन्नत नसीब होगी या जहन्नुम में जाना पड़ेगा। यदि आपको जन्नत नसीब होती है तो भी चिंता की कोई बात नहीं, यदि आपको जन्नत नसीब होती है तो भी चिंता की कोई बात नहीं, और यदि आपको जहन्नुम में जाना पड़ा, ध्यान से सुनना, यदि आपको जहन्नुम में जाना पड़ा तो आप अपने पुराने मित्रों से हाथ मिलाने में इतने व्यस्त हो जाओगे कि आपको चिंता का वक्त ही नहीं मिलेगा, तो फिर चिंता क्यों। समझिए बात को बंधुओं, बस मैं आपसे यही कहता हूं, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, अपनी मस्ती में जीने की कोशिश कीजिए। जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो, उद्वेग ना हो, दुख ना हो। धर्म और अध्यात्म में वही रास्ता दिखाता है, वही मार्ग बताता है।
जिसका अनुकरण करके हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सके। इसी स्वभाव के साथ बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय